हेलो एवरीवन, नैनास किचन में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मटर पनीर की ऐसी सब्जी जिसको खाकर आपकी फैमिली में सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। मटर पनीर की सब्जी बनाने के लिए मैंने एक कटोरी में मटर लिया है और 250 ग्राम पनीर लिया है। उसको छोटे छोटे पीसेस में मैंने काट लिया है। मैंने दो प्याज लिए हैं और उनको बारीक काट लिया है। मैंने चार टमाटर को मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है। तीन से चार पीस लहसुन के लेकर उनको ग्राइंड कर लिया है और तीन से चार ही मिर्चे लेकर उनको छोटा छोटा काट लिया है। चार पांच बादाम छोटे छोटे पीसेस में काट लिए हैं। एक चम्मच जीरा और एक चम्मच कस्तूरी मेथी, दो चम्मच बेसन, एक से दो चुटकी हींग, लाल मिर्च स्वाद अनुसार, नमक स्वाद अनुसार, हल्दी आधा चम्मच, धनिया पाउडर एक चम्मच और एक कटोरी क्रीम। एक कढ़ाई में हम रिफाइंड ऑयल डाल लेंगे। रिफाइंड ऑयल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें जीरा डालेंगे, कस्तूरी मेथी डालेंगे और दो चुटकी हींग डालेंगे, लहसुन और हरी मिर्च डालेंगे। इसको सेम आंच पर पकने देंगे। ये मसाला हल्का ब्राउन हो चुका है, अब हम इसमें प्याज डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। प्याज हल्के ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इसमें बेसन डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। बेसन डालने से सब्जी में बहुत अच्छी शीरी आ जाती है और टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है सब्जी का। जैसे बेसन पक रहा है, हम साथ साथ मटर भी डाल देंगे, फिर मिक्स करेंगे। इसको सेम आंच पे ही पकाना है। अब हम इसमें नमक डालेंगे, हल्दी डालेंगे, मटर डालेंगे। नमक, हल्दी और धनिया पाउडर डालकर हम इसको मिक्स करेंगे। अब हम इसमें बादाम डालेंगे और मिक्स कर इसको थोड़ी देर के लिए ढक कर रख देंगे। बादाम डालना एक अपनी चॉइस है। अगर आप डालना चाहें तो काजू बादाम कुछ भी डाल सकते हैं और नहीं भी डालना चाहें तो भी चलेगा। हम इसको 5 मिनट के लिए ढककर रख देंगे सेम आंच पर। अब हम ढक्कन को हटा लेते हैं। देखो बेसन की वजह से कितनी अच्छी गार्निश आ गई है सब्जी में और मसाला अच्छे से पक चुका है। मसाला अच्छे से पक चुका है, अब हम इसमें टमाटर डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको पकने देंगे 5 मिनट के लिए। जब तक टमाटर पक रहे हैं, हम इसमें लाल मिर्च पाउडर भी डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और 5 मिनट के लिए सिम आंच पर ही इसको पकने देंगे। टमाटर पक चुके हैं, अब हम इसमें आधा ग्लास पानी डालेंगे और इसको पानी को भी अच्छे से पकने देंगे। ये मसाला हमारा बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है, अब हम इसमें पनीर डालेंगे। पनीर को अच्छे से मिक्स करके पकाएंगे। साथ साथ ही हम इसमें क्रीम डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। सब्जी अच्छे से पक चुकी है, सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आइए हम इसे बर्तन में निकाल लेते हैं। सब्जी बिल्कुल बनकर तैयार हो चुकी है, अब हम इसमें गार्निशिंग के लिए धनिया डालेंगे और एक चुटकी या दो चुटकी गरम मसाला डालेंगे। तो फ्रेंड्स, मटर पनीर की सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आपको ये सब्जी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैंने बहुत ही सिंपल मसालों से सब्जी बनाई है जो घर पर आसानी से मिल जाते हैं। वीडियो को लाइक करना मत भूलना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ जल्दी वापस आऊँगी। थैंक यू।